आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़, सबसे पहले देश और आपका अपना चैनल तैयारी के साथ आपके सामने मौजूद है। सातवां और अंतिम ये चरण है, सुबह 7 बजे से वोटिंग चल रही है। आप लगातार टीवी स्क्रीन के जरिए एक अपडेटेड तस्वीर देख रहे हैं, लेकिन बड़ी तैयारी यहां भी देखिए 2024 के आखिरी रण में यानी कि सातवें चरण को लेकर कौन से राज्य में कितनी सीटों पर मतदान है, ये आप मेरे राइट साइड देख रहे हैं। लेफ्ट साइड आप देख रहे हैं 2024 के सातवें चरण में कौन कौन से वो बड़े चेहरे हैं जिनको लेकर चर्चा बहुत तेज है, और नीचे बिग फाइट यानी कि बड़े चेहरों के बीच बड़ा मुकाबला आप देख रहे हैं। मैम आज वोटिंग का डे, आप क्या अपील करेंगी? अरे यार हद हो गई आप लोगों की। हिमाचल के मंडी से तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां कंगना रनौत जो कि बीजेपी की उम्मीदवार हैं वोट कास्ट करने के लिए पहुंची हैं। हालांकि मतदाताओं की भारी भीड़ यहां पर दिखाई भी दे रही है। कुछ ही देर में मीडिया से वो बातचीत भी करेंगी हमारी सहयोगी कनिका। मतदान का दिन है, क्या अपील करना चाहेंगी? हट जाइए। मतदान का दिन ऐसा रहता है जब प्रत्याशी बहुत ज्यादा कुछ बोलते नहीं, पहले सबसे पहले जाके वोट कास्ट करते हैं, ये देखते हैं पोलिंग बूथ पर इंतजाम सभी ठीक हैं क्या, उसके बाद में वो कहते हैं ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट करें। वो मंडी लोकसभा सीट है और मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी की जो प्रत्याशी है कंगना रनौत जो है वो यहाँ पहुंच चुकी है अपने बूथ पे वोट डालने के लिए। कनिका कटियार हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं और कनिका मंडी में मौजूद हैं, कंगना रनौत अभी अभी पोलिंग बूथ पर पहुंची हैं। कनिका ज्यादा से ज्यादा तस्वीरें दिखा दें, अभी क्या चल रहा है? बिल्कुल, देखिए मंडी लोकसभा चुनाव की जो सीट पे जो प्रत्याशी है कंगना रनौत जो है वो इस वक्त जो है अपने पोलिंग बूथ पे पहुंच चुकी है। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगी किस तरह से जो है वो तमाम जो यहाँ पर लोग आए हुए हैं, मतदाता जो आए हुए हैं उनसे मुलाकात करती हुई नजर आ रही है। हालांकि बहुत ज्यादा बता रहे की वोट कास्ट करने के बाद जो है वो उनसे बातचीत करेंगी। हालांकि मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगी कि किस तरह से देखिए जो कंगना रनौत है वो यहाँ पहुंची हुई है और देखिए वो अपना वोट कास्ट करने के लिए जो है पोलिंग बूथ पे पहुंच चुकी है और उससे पहले वो तमाम जो यहाँ पर मतदाता आए हुए हैं उनसे मुलाकात करके उनसे बातचीत करने के बाद फिर जो है वो अपना पोलिंग बूथ पे वोट कास्ट करने के लिए पहुंच गई है। और अब से कुछ ही देर में कहा जा रहा है कि वोट कास्ट करने के बाद जो है वो मीडिया से बातचीत करेंगी। देखना होगा जब वो मीडिया से बातचीत करेंगी तो क्या बड़े दावे जो है वो अपनी जीत को लेकर करेंगी। लेकिन अपने आप में लोकसभा जो है वो अपने आप में हॉट सीट है और इस सीट की बात करें तो मंडी लोकसभा सीट इसीलिए हॉट है क्योंकि कंगना रनौत जो है वो बीजेपी की उम्मीदवार है, सेलिब्रिटी फेस है, उनके सामने विक्रमादित्य सिंह जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी है वो यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन तस्वीरें देखिए किस तरह से आपको दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि कंगना रनौत जो है वो सामने खड़ी है और वो कतार में खड़ी हुई है अपने वो अपना वोट भगवा रंग में रंगी हुई दिखाई दे रही हैं। हिमाचली टोपी उन्होंने पहनी है और मुस्कुराते हुए एक अलग अंदाज में यहाँ पर पहुंची हैं, बड़े ही कॉन्फिडेंस में दिखाई दे रही हैं। हालांकि जुबानी जंग विक्रमादित्य सिंह और कंगना के बीच चुनाव प्रचार के दौरान खूब देखी गई है, लेकिन आज मतदाताओं का जोश भी हाई दिखाई दे रहा है और ये तस्वीरें उस दौरान की दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर में वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। रवि किशन यहाँ से चुनावी मैदान में है और ये कहा जाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ होने के नाते उन्हें वोट में फायदा मिलता है। और वोट कास्ट करने के बाद खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जनता से अपील की है कि वो बढ़ चढ़कर मतदान के इस महापर्व में हिस्सा लें क्योंकि इस यज्ञ की ये आखिरी आहुति उन्हें डाली है। 57 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं।